तो स्वागत है आप सबका। आज हम #10YearsChallenge पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिनको नहीं पता, तो इस चैलेंज में आपको ये बताना होता है कि आप 10 साल पहले कैसे थे और आप आज कैसे हो। अब ये चैलेंज को एक क्रिकेटर या एक्टर करे तो समझ भी आता है, क्योंकि उन लोग ने जिंदगी में कुछ किया है। लेकिन भेंचूद या तो 16-16 साल के बच्चे भी ये चैलेंज कर रहे हैं। अरे भोसड़ी के, 10 साल पहले तू 6 साल का था, तब तू अपने पैंट में मुद्दिया करता था और तेरा अंगूर जितना छोटा नुनू तेरे पैंट के जिप में अटक जाता था। और चूतिया 2 महीने बाद एग्जाम में पढ़ाई करने, तो तेरे पिताजी तेरे को इतना मारेंगे ना, तू सच में 6 साल के बच्चे जैसे रोएगा एक कोने में। और ये तो फिर भी ठीक है, 9 साल के बच्चे पोस्ट कर रहे कि I am sad because I cannot take part in #10YearsChallenge। साला जब मैं 9 साल का था, मुझे लगता था कि अगर मैंने अपना खाना पूरा खत्म नहीं किया तो भगवान मुझ पे गुस्सा करेंगे। और आजकल के 9 साल के बच्चों को देखो, #10YearsChallenge पे पोस्ट करने की कोशिश कर रहे। लेकिन भेंचो, तुम्हारे हाथ में फोन किसने दिया? डोरेमोन देखने की उम्र में ना डोरेमोन ही देखो, ज्यादा चैलेंज वैलेंज मत लो। साले फोन ने हमारे पूरे यंगर जनरेशन को बिगाड़ के रख दिया है। खैर छोड़िए, लेकिन एक चीज तो है, जब भी कोई चीज ट्रेंडिंग पे है तो उस पे मम्मे जरूर बनते हैं। तो चलिए ऐसे ही कोई मम्मो पे नजर मारते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत ही क्या है। तो 10 साल पहले ये छोटा था और 10 साल बाद ये बड़ा हो गया है। अब ये तो जाहिर सी बात है ना, जब आप अलग अलग लड़कों के साथ रिलेशन में रहोगे, वो तो आपको प्यार करेंगे ना, और पीछे प्यार की निशानी भी छोड़ के जाएंगे। मुश्किल तो तब होता है जब आपकी शादी किसी और के साथ हो जाता है, क्योंकि आपका पति सोचता है कि उसको बड़े बबले मिलेंगे, लेकिन उसको बड़ा कुछ और ही मिलता है। इस औरत को देख के पता चलता है कि मेहनत के 2 फल कैसे दिखते हैं। क्या मेहनत किया इसके पति ने, लेकिन इसके पति का जुनून भी तो देखो। सबने इसको चिढ़ाया कि तू फ्लैट है, लेकिन इसके पति ने इसको बंगला बना के दिखाया। साला #10YearsChallenge ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और इस मैडम ने #22YearsChallenge शुरू कर दिया है। और ये मैडम बोल रही है कि 22 साल पहले एक स्पर्म थी और आज एक ऐसी लड़की है। अब ना मुझे एक बात बताओ, 22 साल पहले इसके बाप के गोटों पे किसने कैमरा घुसाया था, कि इसकी माँ की चूह पे किसने कैमरा घुसाया था? नहीं मतलब इंटरनेट पे चैलेंज के नाम पे पूरा चूतियागिरी चालू है। आप ही बताओ ना, ये स्पर्म और ये लड़की है कि मैं कैसे मानूं, प्रूफ क्या है इस बात का? खैर छोड़िए, ज्यादा प्रूफ लेने जाऊंगा तो वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पिक्चर तो हम लड़कों का पूरा जिंदगी है। साला पता ही नहीं चला कब बॉर्नविटा से ओल्ड मॉन्क पहुंच गए और साला कब बच्चे से जवान हो गए भेंचोद। तो बस वीडियो को आज हम ये पे खत्म करते। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। और फेसबुक में भी हमारा एक पेज है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक और फॉलो करो। चलो थैंक यू, बाय।